जब 0 डिग्री पर हो, 0 डिग्री पर होता है तो ये प्लस चार्ज इधर हो जाता है और माइनस चार्ज इधर। जो लोग नहीं देखे वीडियो देख लेंगे, आज हम लोग का लेक्चर नंबर 8 है। जिन लोग को ना पता हो तो वीडियो कहाँ मिलेगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे, पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, फिजिक्स की अलग मिल जाएगी, केमिस्ट्री की अलग मिल जाएगी। और जो नए विद्यार्थी देख रहे हो ये नोट्स खरीद लें, तो जो क्लास में लिखाते हैं वो लिखना नहीं पड़ेगा। केमिस्ट्री में बस क्या लिखना पड़ेगा, न्यूमेरिकल, उसके अलावा कुछ नहीं लिखना। बस आज हम लोग को क्या पढ़ना है, बलाघूर्ण के बाद द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है, अब घुमाने में किया गया कार्य में तुम लोग देखोगे डायग्राम नहीं दिखेगा बुक में, नहीं दिख रहा है ना। पहले तो तुम्हें मैं ये बता दूं द्विध्रुव में हम लोग पढ़ क्या क्या रहे हैं, तो थोड़ा तुमको याद रहे। पीछे खिड़की क्यों बंद किए हो, खोल लो बढ़िया, थोड़ा हवा आएगी, अच्छा लगेगा। आगे देखो कितनी ज्यादा रोशनी है, पीछे पीछे रोशनी ही नहीं है। तुम लोग हंसने क्यों लगते जब रोशनी बोलते हो, तो अब ये देखो फिर तुम्हारा नाम लिया। अब यही तुम्हारा नाम लेता है तो मैं क्या करूं, रोशनी आने दो उधर से, अंधेरा अच्छा नहीं लगता, अंधेरा कालू रोशनी लड़की, जितने गंदे नाम हैं सब लड़कों को दे दिए गए। अंधेरा याने कालू, लड़की याने रोशनी। हाँ, तो जो द्विध्रुव था, मेरा मार्कर खराब हो गया। द्विध्रुव में हम क्या क्या पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हम द्विध्रुव के कारण तीव्रता पढ़े जो कि दो प्रकार से आई, अच्छी और निरक्षी। फिर द्विध्रुव को घुमाने में किया गया बल युग्माघूर्ण हमने पढ़ा ना। अब हमें दो हेडिंग और पढ़ना है, सबसे थर्ड वाली, सबसे क्यों बोल रहा, सबसे बोलने की जरूरत नहीं। इसको घुमाने में किया गया कार्य, और इसके बाद क्या पढ़ना है, कार्य के बाद स्थिति ऊर्जा। और ये भी तुम जानते हो कार्य ही स्थिति ऊर्जा, दोनों में हम कार्य ही लाएंगे, समझे। इसमें भी कार्य लाना है और इसमें भी कार्य, जो स्थिति ऊर्जा होता है वो कार्य ही है। मुझे डाउट था कि कहीं फोरके में ना लगा, एक वीडियो भी नहीं पूछेगा। तो पहले क्या लाना पड़ेगा, कार्य, फिर क्या लाएंगे, स्थिति ऊर्जा। कार्य ही स्थिति ऊर्जा, कोई अंतर नहीं। इन दोनों में डिफरेंस है थीटा का, ठीक है। इसमें एक चीज बताई जाएगी तुम्हें, मानक स्थिति, हम दोनों साथ में ही प्रूव करेंगे। कार्य वाले में तुम अगर परिभाषा देखोगे तो 0 से थीटा घुमा रहे हैं, मतलब वो जो स्थायी अवस्था में हो तो 0 है, हम 0 से उसको जबरदस्ती घुमा रहे हैं, जबरदस्ती, समझ रहे हो, मतलब वो 0 डिग्री में यानी स्टेबल है। ऐसे रखा हुआ है द्विध्रुव, विद्युत क्षेत्र इधर है, द्विध्रुव ऐसे रखा है तो स्टेबल है, स्थायी, हम उसको जबरदस्ती घुमा रहे हैं। तो हम उसको घुमाएंगे तो क्या लगेगा, बल, बल होगा तो क्या होगा, विस्थापन, और बल गुणे विस्थापन ही क्या कहलाता है, बस यही कार्य आ जाएगा। लेकिन यार थीटा डिपेंड करता है दोनों में, स्थिति ऊर्जा अलग है और कार्य अलग है, दोनों में सिर्फ थीटा का अंतर है। अगर तुम बुक में देखोगे द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य वाला टॉपिक, उसके नीचे साफ साफ लिखा है, यदि पी द्विध्रुव आघूर्ण वाले किसी विद्युत द्विध्रुव को एक समान तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में थीटा, विद्युत क्षेत्र थीटा में घुमाने, थीटा कोण बनाते हुए रखा जाए, मतलब जब रखा जाएगा, बस यही यह है बलयुग्माघूर्ण। डायरेक्ट प्रूव कर दिया, परिभाषा नहीं दिया है ना, परिभाषा नहीं दिया है, कोई बात नहीं, परिभाषा नहीं दिया है। कार्य में हम जो लगाएंगे वो थीटा से कहां, सॉरी, 0 से कहां घुमाएंगे, थीटा डिग्री। स्थिति ऊर्जा वाला भी लगेगा सेम टू सेम कार्य, बस इसमें चेंज क्या हो जाएगा, 90 से थीटा। इसमें चित्र नहीं बनाया है, चित्र इसका पता है कैसा दिखेगा, इसका चित्र दिखेगा, मैं बता रहा हूं बुक में तुम लोगों को, ऐसा बता रहा हूं। 5 पार्ट खोलो, पेज नंबर 42 और 43, सेम यही टॉपिक है। सब लोग बुक में चैप्टर नंबर 5 खोलो, पेज नंबर 42 एंड 43, दिख रहा है, यहाँ चित्र बनाने की कोई जरूरत नहीं थी इसलिए नहीं बताया हूँ, दिख रहा है। तो सबसे पहले तुम्हें 43 नंबर पेज में देखो, दंड चुंबक की स्थिति ऊर्जा लिखा है, जो लोग वीडियो देख रहे हो भी बुक खोल लेना। इसमें स्थिति ऊर्जा में देखो जो चित्र बना है, वो चित्र में तुम्हें एक वर्तमान स्थिति और एक मानक स्थिति दिख रही है, मानक स्थिति जो बीच में 90 डिग्री में, ठीक, वीडियो में भी मैं दिखा के बोल देता हूँ, एक मानक स्थिति है और एक वर्तमान स्थिति है, ठीक। तो मानक स्थिति यहाँ हल्की हल्की दिख रही होगी सबको, और ये हम ऐसे घुमाए हैं, तो मानक स्थिति कितनी होती है, 90 डिग्री, 90 से हम वर्तमान यानी किस में ला रहे हैं, थीटा डिग्री में। तो जो कार्य करना पड़ता है वो क्या कहलाता है, स्थितिज ऊर्जा। मैं बोर्ड में बनाऊंगा चित्र, उसकी दिक्कत मत लो, बस तुम ऐसे समझ लो। तो कार्य वाले में हमारे जो थीटा लगते हो क्या होता है, 0 से थीटा, और इस वाले में जो लिमिट लगेगी वो होगी 90 से थीटा। इतनी बात याद हो गई, इतनी बात याद हो गई तो अब तुमसे बन जाएगा। बस यहाँ जो विस्थापन होता है वो रेखीय विस्थापन नहीं होता, जैसे अभी तक हम अल्प कार्य वगैरह लगाते थे dx लगता था, जैसे विभव वाला जब लगाए थे dx लगा था, यहाँ पे ये वाला नहीं होगा। कैसे होगा मैं मिटा दूं ना, दो बातें क्लियर हो गई,
कार्य में क्या लिमिट लगेगी, 0 से थीटा, और स्थितिज ऊर्जा में क्या लगेगी, 90 से थीटा। क्लियर है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, इनसे पता नहीं क्या आएगा, आज तक आए तो है नहीं, घुमाने में किया गया कार्य। आज हमें मेन रूप से पढ़ना है फ्लक्स के बारे में, वर्क डन ऑन रोटेटिंग अ, रोटेटिंग का क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल, आई इलेक्ट्रिक डाइपोल की एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, आन ही लगेगा, ग्रामर सही करनी चाहिए। यहाँ पे मान लो कोई द्विध्रुव है, यहाँ पे माइनस चार्ज है और यहाँ पे प्लस, प्लस इधर ही होगा ना, क्योंकि प्लस वाले में क्या लग रहा है, धक्का, तो ये प्लस क्यू है और ये क्या है, माइनस क्यू, ठीक है। जब ये दोनों रखे हुए हैं तो यहाँ पे एक एंगल बन रहा है जो कि कितना है, थीटा, और ये क्या है, वेक्टर ई, और ये इसका द्विध्रुव आघूर्ण माइनस से प्लस की ओर होता है, वेक्टर पी, जिसको ना पता हो मैं पुरानी वीडियोस में पढ़ा चुका हूँ। अब जब ये थीटा है तो इन दोनों पर क्या लगेगा, बल, तो बल जब लगेगा तो ये घूमेगा कैसे, ये समझो, अब ये ऐसे है तो इस पर किधर बल लगेगा, इस पॉइंट पर इधर बल लगेगा जो कि क्या होगा, क्यू इंटू ई, बताया था ना, और इस पॉइंट पर इधर बल लगेगा जो कि क्या होगा, क्यू इंटू ई। जब ये दोनों बल लगेंगे तो इसको क्या करना चाहेंगे, ऐसे, ठीक है, बस यही यह समझना है कि जो बल लगाया गया है वो उल्टा हो गया यहाँ पे, उल्टा कैसे, ये 0 डिग्री में था, 0 से इसको जबरदस्ती क्या कर रहे हैं, घुमा के थीटा ला रहे हैं, समझे, 0 डिग्री में था, इसको ऐसे उल्टा घुमा रहे हैं कि क्या हो जाए, ऐसे घूम जाए, समझ रहे हो, ऐसे था, बल लगा के क्या कर रहे हैं, इसको ऐसे कर रहे हैं, तो हमें कुछ बल तो लगाना पड़ेगा क्योंकि उसके विरुद्ध बल लगेगा, ठीक, या फिर तुम उल्टा भी समझ सकते हो कि अगर ऐसे रखा था तो सीधा करने में कितना कार्य हुआ, कंडीशन दोनों की सेम, फार्मूला भी दोनों में सेम है। लगाने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, कार्य लाना है, तो जानते हैं एक सूत्र होता है कार्य का, बल गुणे विस्थापन। अब यहाँ शुरू में माना जाता है अल्प कार्य, जैसे तुम पहले जो पढ़े हो उन लोग को पता होगा, जब भी कार्य लाते हैं तो डायरेक्ट नहीं लाते, सबसे पहले क्या लाते हैं, अल्प कार्य, अल्प कार्य लाने के बाद उसका समाकलन कर देते हैं, बुक में देख लो यही किया है, सबसे पहले अल्प कार्य लाया, अरे कहाँ देख रहा हूँ मैं, यहाँ पे सबसे पहले थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लो, टाउ का फार्मूला दिया है, उसके नीचे लिखा है यदि अल्प कोण डी थीटा घुमाने में किया गया अल्प कार्य डी डब्ल्यू हो, समझ गए, अल्प कोण डी थीटा घुमाने में किया गया अल्प कार्य डी डब्ल्यू, तो इसको पहले पूरा थीटा नहीं घुमा देंगे, जैसे ऐसे था जीरो में, जीरो से हम क्या घुमा रहे हैं, थीटा, तो डायरेक्ट थीटा नहीं घुमाएंगे, पहले थोड़ा सा थीटा घुमाएंगे, तो हम इसको कोणीय विस्थापन कह सकते हैं कुछ वक्त के लिए, ये कोणीय विस्थापन है कि नहीं, याद है ना कोणीय विस्थापन, ये कोणीय विस्थापन हो जाएगा, बस हमें यही ध्यान देना है। अब ध्यान दो, तो सबसे पहले हम टाऊ कल ही पढ़े थे जो कि क्या था, पी साइन थीटा, लेकिन अगर ये द्विध्रुव सीधा ऐसे खड़ा खड़ा रखा हो तब यहाँ पे साइन थीटा नहीं आएगा, क्योंकि न्यूनतम दूरी वहां पे 2L ही हो जाएगी, ये आया। अब यहाँ पे एक लाइन लिखिए, यदि अल्प कोण के, यदि डी थीटा घुमाने में किया गया अल्प कार्य डी डब्ल्यू हो, पहले अल्प कार्य लाते हैं फिर उसका समाकलन कर देते हैं, पूरा हो जाता है, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, टाउ इंटू डी थीटा आ जाएगा। अब हमें इसका क्या कर देना है, इंटीग्रेशन, फिर इसके नीचे लाइन लिखी, 0 से थीटा डिग्री घुमाने में किया गया कुल कार्य, लिखा है ना, ये लाइन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हमें लिखना है 0 डिग्री से कितना घुमाना है, थीटा, बताया ना, यहाँ हम कर क्या रहे हैं, जबरदस्ती वाला घुमा रहे हैं, रखा कैसे है, 0, जबरदस्ती उसको घुमा रहे हैं, तो क्या लगाना पड़ेगा, बल, बस वो बल युग्म लगेगा, क्योंकि एक तरफ तो लगेगा नहीं, एक तरफ लगाओगे दूसरी तरफ ऑटोमेटिक लगेगा, अब साइकिल के हैंडल अलग अलग दिशा में चले तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी, उसके लिए 2 टायर भी होने चाहिए। 0 से थीटा घुमाने में किया गया कार्य, अब कुल कार्य लाना है, ठीक है, तो कुल कार्य के लिए जो W है इसका D का उधर क्या हो जाता है, पक्षांतरण, तो D इधर अवकलन होता है, उधर जाके क्या बन जाता है, समाकलन, बस लिमिट लग जाती है, यहाँ लिमिट क्या लगेगी, ब्लैक से लिमिट, 0 से थीटा, अगले वाले में 90 से थीटा होगा, इस वाले में हम इसको ऐसे से ऐसे घुमा रहे हैं, उसमें ऐसे से ऐसे करेंगे, जो बोल रहा हूँ समझ में आया, इस वाले में 0 से थीटा घुमा रहे हैं, उस वाले में 90 से थीटा घुमाएं, ठीक, चित्र यही रहेगा, थोड़ा सा चेंज कर दूंगा, हो गया, समाकलन कर देंगे, बस टाउ की वैल्यू रखो, टाउ की वैल्यू क्या है, पी ई साइन थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में थीटा वाला फंक्शन रहेगा, बाकी सब साइन थीटा इंटू डी थीटा, 0 से थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रल क्या होता है,
वेरी गुड, तो माइनस बाहर लगा दूं क्या? माइनस बाहर लगा देता हूँ, यह आ जाएगा अंदर कॉस थीटा, और जब ऐसा लिखते हैं तो ब्रैकेट कैसे होते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, और ये आ जाएगा जीरो से थीटा। अब तुम्हें पता होगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस पी ई, यह आ जाएगा ये कॉस थीटा, थीटा की जगह क्या रखोगे, थीटा माइनस कॉस जीरो डिग्री आएगा, कॉस जीरो की वैल्यू सबको पता होती है, ये आ जाएगा कॉस थीटा इंटू, और सॉरी इंटू नहीं माइनस वन। अब माइनस शुरू में अच्छा नहीं लग रहा, और माइनस का गुणा करने की बहुत अच्छी टेक्निक है, अंदर गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है, वो उल्टा उल्टा हो जाएगा। यहाँ ध्यान दे लो, बुक में तो लिखा ही है, तो ये पी आ जाएगा वन माइनस कॉस थीटा, यही अपना आंसर, यही है वर्क डन, किया गया कार्य। एक याद करने वाली चीज क्या है कि द्विध्रुव को घुमा रहे हैं लेकिन जबरदस्ती वो जीरो डिग्री में रखा है, हम जबरदस्ती उसको कहाँ ले जा रहे हैं, नीचे से थीटा, नीचे से ऊपर ले जा रहे हैं, तो इतना कार्य करना पड़ेगा। अब ये जो कार्य आया है फार्मूला, अब बताओ अधिकतम कार्य के लिए यहाँ थीटा कितना होना चाहिए, बुद्धि लगा के बताना पड़ेगा, फील करो फील करो फील करो। अगर मैं इसको घुमाऊं ही ना तो मेरा किया गया कार्य शून्य, घुमाऊं ही ना यानी जीरो में रखा रहे, समझे, जीरो में रखा रहे तो मेरे द्वारा किया गया कार्य शून्य, इसको फील करो तभी ये बनेगा। जीरो में अगर मैं रख दूं तो मेरे द्वारा किया गया कार्य शून्य, लेकिन मैं बोला हूं मैं इसको इतना करना चाहता हूं, मैं कितना करना चाहता हूं 90 डिग्री, तो 90 डिग्री में करूंगा तो आधा काम आएगा, लेकिन अगर मैं इतना घुमा दूं, समझे, ये ऐसे था, इसको मैं ऐसे किया, अब मैं क्या करना चाहता हूं, ऐसे घुमाना चाहता हूं, तो ओरिजिनल स्टेट से मैं कितना घुमा दिया 180 डिग्री, 180 डिग्री घुमाने में ज्यादा ताकत लगेगी कि नहीं, लेकिन 180 में तुम छोड़ोगे धनाश से ऐसे हो जाएगा, क्यों, क्योंकि प्लस वाले पर इधर बल लगेगा माइनस वाले पर इधर, ऐसा होगा होगा है, अब मैं मुंह बना दिया तो तुम लोग नहीं बोल दिए, ऐसे थोड़ी होता है, सोचना थोड़ा, ठीक है नहीं बोल देते हैं, मेरे फेस एक्सप्रेशन से तुम लोग जवाब देते हो कि अपने नॉलेज से, बस ऐसे समझो अगर ऐसे था और मैं ऐसे ही रहने दूं तो मेरे द्वारा कोई कार्य करना पड़ा नहीं, ऐसे से अगर मैं ऐसे कर रहा हूं तो कितना कार्य करना पड़ेगा, रखो थीटा की वैल्यू 90, कॉस 90 करूंगा कितना आएगा जीरो, यानी मेरे द्वारा किया गया कार्य पीई होगा, जितना बलाघूंड लगा उतना ही कार्य होगा, हुआ इतना बलाघूंड मैक्सिमम था। अब अगर मैं ऐसे देखूं तो ये तो प्लस वाले को क्या कर रहा है, धक्का मार रहा है, अब धक्का के विपरीत मैं बल लगा रहा हूं, ये धक्का मार रहा है कि उधर ले जाओ, लेकिन मैं मोड़ूंगा और कि पीछे वाले खींच भी रहा है, ऐसा समझो इसको धक्का मार रहा है, इसको पकड़ के खींच रहा है कि यहाँ तुम ऐसे हो, तुम ऐसे क्यों हो रहे हो, लेकिन हम जबरदस्ती पकड़ के आए हैं, घूमे कैसे ना, जबरदस्ती हम 180 डिग्री घुमा रहे हैं तो कार्य डबल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तीन केस आएंगे, हटाए सब रेड, और केस वन जो आएगा, केस वन वो कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू जीरो, थीटा इज इक्वल टू जीरो, जीरो में था, जीरो में है, किया गया कार्य शून्य, लेकिन मैथ से कैसे लगाए, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी वन है ही, कॉस जीरो रखेंगे, वैल्यू ऑफ कॉस जीरो इज इक्वल टू वन, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना आ गया, तो अगर जीरो में रखा है तो मैं उसको कुछ नहीं कर रहा, यानी वर्क भी क्या आ रहा है, जीरो, वर्क जीरो यानी एनर्जी भी जीरो। फिर आता है केस टू, ये अभी पढ़ने में हलवा लग रहा है, जब ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा या फिर किसी दिन पेपर में आ जाएगा तब फिर परीक्षा अध्ययन परीक्षा बोध इसको सब पे अपने अध्ययन बोध में छाप छाप के क्या बोल देंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी कोई पढ़ाता तो यही बोल देता है इंपॉर्टेंट नहीं, गॉस प्रमेय भी हो सकता है ना इंपॉर्टेंट रहा हो, पेपर में आने लगा तो इंपॉर्टेंट बना दिए, लेकिन ट्रेंड खत्म भी होते हैं, जैसे खत्म हो चुका है, अब क्या आता है न्यूमेरिकल। केस टू में थीटा इक्वल टू 90 रखेंगे तो डब्ल्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, जीरो, ये केवल क्या आ जाएगा, पी आ गया। केस थ्री कितना आएगा, थीटा इक्वल टू क्या रखेंगे, 180 डिग्री, समझ रहे हो ना, डाइपोल ऐसे था, डाइपोल ऐसे था, इतना घुमाए थीटा हुआ, इतना घुमाए 90 हुआ 90, और यहाँ ऐसे से डाइपोल को ऐसे कर दिया, अपोजिट कर दिया, डाइपोल की ओरिजिनल स्टेट ये थी, ठीक है, ओरिजिनल जीरो डिग्री में था, तो जब 180 डिग्री घुमा दिया डब्ल्यू इक्वल टू कैसे आएगा, थोड़ा मैथ आनी चाहिए, नहीं आती तो जान लो, जो जीरो की वैल्यू होती है वही 180 की होती है, साइन चेंज होता है, क्यों चेंज होता है, मैथ वालों को पता है क्यों चेंज होता है, क्योंकि कॉस की वैल्यू फर्स्ट और फोर्थ में प्लस होती है, सेकंड और थर्ड में निगेटिव होती है, बस ये 180 रखे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस वन, क्या आएगा, माइनस वन, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस वन, तो पी अंदर बन गया 1+1, यानी क्या आ गया, 2PE आ गया, आपको ये सारी चीजें बुक में भी मिल जाएंगे, दिख रहा है। तो अधिकतम कार्य कहाँ करना पड़ा, इस वाले में, तो जितना कार्य करोगे उतने ज्यादा उसकी ऊर्जा बढ़ जाएगी, क्लियर है, कोई दिक्कत,
यहाँ पे चमक रहा होगा ना। अरे हो गया चालू रहे, वहां टाऊ वाली का है जहां चमक रहा है, कंफ्यूज नहीं होंगे, दिखाई नहीं देता यार, अंधेरा अंधेरा लगता है। आ रही है रोशनी, आ रही है, लेकिन उजाला भी तो जरूरी है सफेदी के शौकीन। किसी को इसमें डाउट हो तो बताओ, इसका मेन फार्मूला कौन सा था? ये वाला। तो हमने तीन फार्मूले पढ़ लिए। पहला फार्मूला क्या पढ़ा था हमने, टाउ इक्वल टू, तीन नहीं दो पढ़ लिए, टाउ इक्वल टू क्या था, पी साइन थीटा। दूसरा फार्मूला डब्ल्यू इक्वल टू क्या आ गया, पीई वन माइनस कॉस थीटा। अब अगला हमें क्या पढ़ना है, स्थितिज ऊर्जा वाला। तो सेम हेडिंग ये वाली डन करूं, सेम हेडिंग है बस उसमें चेंज क्या हो जाएगा, किया गया कार्य ही घुमाने में स्थितिज ऊर्जा, या फिर द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कर दो, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। ये मानक स्थिति होती है, जैसे आदर्श गैस होती है, तो क्या वो सच में होती है? वो साइंटिस्टों ने ऐसा माना कि इस तरह की मैक्सिमम क्वालिटीज किसी गैस में हो सकती है, ठीक है, मैक्सिमम क्वालिटीज। कार्नो इंजन क्या सच में होता है? सादी कार्नो ने जब इंजन बनाया तो उन्होंने वो एक कल्पना की कि अगर इस तरह की कंडीशंस हो, ठीक है, घर्षण रहित पिस्टन गति करे, तो अगर ऐसा हो, जैसे सरल लोलक, क्या सच में होता है? हाँ, ऐसी मानक स्थिति होती है, ऐसी कंडीशन मानी जाती है। तब यहाँ पे क्या किया जाएगा, डाइपोल को माना जाएगा इस कंडीशन में, यहाँ पे प्लस चार्ज है और यहाँ पे माइनस चार्ज, समझ रहे हो, ये डाइपोल की मानक स्थिति मानी गई। अब इसको यहां से हम कहा ला रहे हैं, यहाँ पे टोटल इसको मैं उठा दूं, जानकारी की चीज तो अब नहीं है, पहले ये कितने डिग्री में था, 90 डिग्री। अब 90 से इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, थीटा में, लेकिन जो भी थीटा लिया जाता है, डिग्री लिया जाता है, वो जीरो वाले से ही लिया जाता है, ठीक। तो इसको कहां से कहां ला रहे हैं हम, 90 से थीटा, पहले 90 में था, 90 में था, 90 से थीटा डिग्री ला दिए, पहले इसका झुकाव कितने डिग्री था, 90 डिग्री, अब 90 से इसका झुकाव कितना कर दिए, थीटा डिग्री। बात समझ में आ रही है, दोनों में अंतर एक बात का है, उसमें जीरो था, इसमें 90, ठीक, ऐसा लगा कुछ है। यहाँ पे क्या आएगा, 90, यहाँ भी क्या आ जाएगा, 90, यहाँ भी क्या आ जाएगा, 90, 90 बोल दो यार, ऐसा लग रहा है तुम लोग मुझे 90 बोल रहे हो। कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 90 की वैल्यू जीरो होती है, मतलब यो भाई साहब तो निकल लिए, कोई दिक्कत यहाँ से? तो यहाँ से जो W आया वो कितना आया, माइनस पी कॉस थीटा, और यही W स्थितिज ऊर्जा यानी U इक्वल टू कहला जाएगा, माइनस पी कॉस थीटा। बस बस, अब बताओ जितना ज्यादा कार्य करोगे उतनी ज्यादा ऊर्जा भी आएगी, आएगी ना, बस यहाँ थोड़ा सा माइनस चिन्ह आ गया है, ठीक। ये ध्यान देना है कि पी कॉस थीटा आया है, यहाँ ध्यान देना है कि पी साइन थीटा आया, यही सब सही जोड़ी में आ जाता करता है। यहाँ एक लाइन लिख देते करते हैं, यही किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा कहलाता है, लिखा हुआ है ना बुक में, इसकी भी तीन कंडीशन लिखा हुआ है। इसमें 90 डिग्री में स्थितिज ऊर्जा जीरो क्यों है, क्योंकि उसकी मानक स्थिति है। ये कौन सी स्थिति है, मानक स्थिति, मानक स्थिति में उसका क्या माना जाता है, स्थितिज ऊर्जा जीरो, समझे, मानक स्थिति में जीरो है। अब अगर जीरो से इधर ला रहे हैं तो माइनस होता है, जीरो से इधर जा रहे हैं तो प्लस होता है, समझे बात को, इसीलिए तीन पॉइंट दिया हुआ है, जीरो डिग्री में, 90 डिग्री में और 180 डिग्री में। तो जीरो में किया गया कार्य, सुन भाई यहाँ पे है और यहीं रहने दे, तो कार्य क्या माना जाएगा, जीरो, ठीक है। कार्य कहाँ देख रहा हूँ यार मैं, यू सॉरी, अगर थीटा 90 है तो जो यू आएगा, यू ये वाला, वो क्या हो जाएगा, जीरो। भाई रख के देख लो, कॉस 90 रखोगे क्या होगा, जीरो, खत्म, बाकी तुम समझ गए हो। यहाँ से ये टॉपिक क्या हो गया, डन। तो हमने टोटल कितने फार्मूले देख लिए, तीन फार्मूले, कौन कौन से हो गए, तीसरा भी हो गया, कौन सा, ये हो गया U इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा। हो सकता है दो नंबर के न्यूमेरिकल आ जाए, तीन नंबर का, चार नंबर का आ रहा है हालांकि, या फिर हो सकता है तुमसे क्या बोल दे, सही जोड़ी में फार्मूला टिक करने को आ जाए। अब उधर साइड मान लो U दिया है और इधर साइड मान लो तीनों दे दिया, तो जो पढ़ा होगा उससे बन जाएगा। एक एक तो नहीं पढ़ना होता, सिक्वेंस में याद रखना है। सबसे पहले तुमने क्या पढ़ा, बल आघूर्ण पढ़ा, तो उसमें साइन थीटा आया था, याद रखो थोड़ा सा उसको। दूसरे वाले में वन माइनस कॉस थीटा आया, मान लो भूल गया, एक मिनट लगेगा प्रूव करने में, जल्दी जल्दी रफ टाइप का लगा लेना। जीरो से थीटा यानी कार्य, 90 से थीटा यानी स्थिति ऊर्जा, लाते कहां से हैं, टाउ से, टाउ तो याद ही रहेगा ना, पी साइन थीटा। इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन ये दोनों वेक्टर नहीं होते, क्योंकि कार्य क्या है, अदिश राशि, कार्य अदिश राशि है ना, कार्य कैसी राशि, अदिश, क्योंकि कार्य बराबर क्या होता है, बल डॉट विस्थापन होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है, कार्य अदिश राशि, कार्य की कोई निश्चित दिशा नहीं होती।
लेकिन बलागुण सदिश राशि में आता है, तो बलागुण का क्या था, वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। एक चीज याद रखना, तीव्रता को हमेशा बाद में लिखते हैं, बाद में। जब भी तीव्रता लिखोगे किसी भी चीज की, चाहे विद्युत क्षेत्र की हो चाहे चुंबकीय क्षेत्र की हो, तीव्रता हमेशा बाद में लिखते हैं। तो छोटी छोटी बातें जिन पे ध्यान देना चाहिए। तो द्विध्रुव हम लोग का हो गया यहाँ से कंप्लीट। अब आती है हमारे बुक की बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग, बहुत 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 इंपॉर्टेंट हेडिंग, विद्युत फ्लक्स। आज पैर में ज्यादा दर्द है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हेडिंग। कुछ लोग को पता भी होगा विद्युत फ्लक्स अच्छे से, आधे लोग हालांकि नए वाले हैं। इसको फ्लक्स बोलना है, पढ़ना क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। इसको दर्शाते किससे हैं, फाई से है क्या, थोड़ा हम ये समझ लेते हैं। जैसे मान लो कोई चालक लिया जाए, ठीक है, चालक या फिर कुचालक कुछ भी ले लो, ऐसा पदार्थ लेते हैं जिससे बल रेखाएं निकले। जैसे मान लो ये एक चार कोने का डिब्बा है, ऐसा है, इसके अंदर मान लो यहां पे अंदर बॉक्स है, जैसे कमरा है हम लोग के, ये यहां पे कोई बीचों बीच क्या है, एक चार्ज रखा है, रखा है, तो क्या होगा, ये मान लो प्लस क्यू चार्ज है, तो इससे क्या निकलेंगी, बल रेखाएं निकलेंगी, बल रेखाएं निकलेंगी, तो इससे खूब सारी बल रेखाएं निकलेंगी, ऐसे 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 निकलेंगी, चारों तरफ निकलेंगी, है ना, चारों तरफ नहीं आठों तरफ कहना चाहिए। जैसे जो वजीर होता है, वजीर कहते हैं फिर क्वीन कहते हैं इंग्लिश में, जो चेस खेलते हैं ना, अगर क्वीन बीच में आ गई है तो हर दिशा में वो अटैक करती है। इसीलिए जब वो प्यादा होता है, प्यादा अगर अंतिम वाले में पहुंचता है तो वो भी रानी बन जाता है। खेले हो चेस, बड़ा मजा आता करता है, बस रानी ही बनाना बहुत जरूरी, रानी मर गई तो आधा खेल तो वहीं खत्म हो जाता है। गरीब लोगों का जो पढ़ने बहुत होशियार होते हैं चेस में, वो जिता लेते हैं, वो हाथी से भी जिता लेते हैं भाई, हाथी बहुत मस्त होता है। तो इससे चारों तरफ क्या निकल रही है, बल रेखाएं निकल रही है ना। ये बल रेखाएं कुछ जगह 90 डिग्री में निकल रही होंगी और कुछ जगह 90 डिग्री में नहीं निकल रही होंगी, ठीक। जैसे मान लो ये है, ये मान लो इधर वाली प्लेट है, ये बल रेखा कुछ इसमें ऐसे निकल रही होंगी, कुछ होंगी ऐसे, कुछ होंगी ऐसे, ऐसे ऐसे होंगी ना, कुछ ऐसे होंगी, दिख रहा है वीडियो में, बुक देखना जरूर, ऐसे होंगी, है ना। जो इधर वाली प्लेट है इससे कुछ सीधे जा रही होंगी, कुछ ऐसे ऐसे भी जा रही होंगी, यहां से जो जा रही होगी ऐसे होगी। ये चित्र इमेजिन कर पा रहे हो दिमाग में, कुछ जो बीच से जा रही होंगी ऐसे जा रही होंगी, जो यहां से जा रही होंगी वो ऐसे होंगी, जो यहां से जा रही होंगी ऐसे, कुछ ऐसे, समझ रहे हो, ये ऐसे, क्या ऐसे होगी। ये मान लो बल रेखा है तो ये ऐसे एंगल तुम्हें समझ में आ रहा है। अगर मैं सामने से दिखाऊं, ये देखो, ये यहां पे ऐसे थी, अगर ये इधर जाएगी तो ये थोड़ा ऐसे हो जाएंगी और इधर साइड जाएंगे ऐसे। तो ये चीज क्या है, बल रेखाएं ही हैं। बस अब हमें कौन सी वाली बल रेखा चाहिए, जो सतह के लंबवत निकले। ये क्या है, बल रेखाएं ही हैं, ऐसी बल रेखाएं जो सतह के लंबवत गुजरती हैं। बस ऐसी सभी बल रेखाएं जो किसी भी पृष्ठ किसी भी सतह के अभिलंबवत गुजरती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स। तो फ्लक्स क्या है, बल रेखा है, उसका नाम बदल दिया गया है बस। तो फ्लक्स क्या है, बल रेखा है, बस उसका क्या कर दिए, नाम बदल दिए। तो नाम बदल के क्या बोल दिया गया है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बल रेखाएं जो किसी भी सतह के अभिलंबवत गुजरती हैं क्या कहलाती हैं, विद्युत फ्लक्स कहलाती है। एक ये हो गया, जैसे मान लो मैं कोई गोली चालक ले लूं और गोली चालक के अंदर प्लस क्यू आवेश रख दूं, तो कंटिन्यू इससे क्या होगी, विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं। ये काल्पनिक है, हो सकता है ना भी निकलती लेकिन इनका प्रमाण है, वरना चपकाता कैसे, चुंबक के जैसे ही। तो इससे बल रेखाएं निकलेंगी। अब तुम इमेजिन करो, यहाँ पे एक गेंद है, इमेजिन करो एक गेंद है और उसके अंदर क्या है, एक चार्ज रखा है, उससे चार्ज चारों तरफ निकल रहा है, तो चारों तरफ निकल रहा होगा तो क्या हर जगह 90 डिग्री होगा, हाँ इसमें होगा, इसमें हर जगह 90 डिग्री होगा, लेकिन इसमें क्या हर जगह 90 डिग्री होगा, इसमें जहां जहां से निकलेगा 90 डिग्री में गारंटी है नहीं रहेगा, केवल यहाँ वाली ये बल रेखा 90 डिग्री बनाएगी, ये वाली जो बल रेखा होगी ये 90 डिग्री बना रही है, ये वाली जो बल रेखा ये भी 90 डिग्री बना रही है, और ये वाली जो बल रेखा जा रही है ये भी 90 डिग्री, समझ रहे हो। तो यहाँ सभी बल रेखाएं 90 डिग्री में ही जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जाएंगे। तो कौन सी वाली बल रेखा या फ्लक्स कहलाएगी, जो 90 डिग्री में जाती है, ठीक। अब कई बार क्या है, 90 डिग्री में नहीं जाती, तो इसी के लिए आता करता है उसका वियोजन कर देते हैं, है ना। ये क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है, इसी को मैं वेक्टर ई भी कह सकता हूँ, क्योंकि बल रेखा ही क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है, क्या उसका वियोजन नहीं किया जा सकता? उसका वियोजन नहीं किया जा सकता, क्यों नहीं किया जा सकता? निरक्षीय स्थिति कैसे लगाए हो? हाँ तो तीव्रता का वियोजन ही तो पूछ रहा हूं, तीव्रता का वियोजन नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है, चाहे तीव्रता का वियोजन नहीं किए हो, ई कॉस थीटा ई साइन थीटा भ्रमित हो गए। यहां पे आपको एक बुक में मस्त धांसु सा चित्र दिखेगा। चित्र कैसा दिख रहा है तुम्हें? ऐसी बल रेखाएं दिख रही होंगी, दिख रही हैं? दिख रही हैं कि नहीं? ये विद्युत क्षेत्र कह लो, इसे तुम क्या कह लो? विद्युत क्षेत्र। और विद्युत क्षेत्र ही क्या है? विद्युत बल रेखाएं हैं। इस विद्युत बल रेखा वाले क्षेत्र में हम क्या करते हैं, एक ऐसी एक प्लेट रख दिए, कोई धात्विक प्लेट है, यह क्या है? कोई धात्विक प्लेट। अरे यार ये कैसा बन गया? कोई भी प्लेट है, मान लो ये प्लेट ऐसी रखी, कैसे रखी हुई? ऐसी, समझ रहे हो? जैसे ये मान लो इधर से इधर इमेजिन करो, खूब सारी क्या चल रही है, बल रेखाएं जा रही। इस बुक को मैंने ऐसे रख दिया, रख दिया, ये बल रेखाएं ऐसे हैं, ये बल रेखाएं ऐसे जा रही हैं, ठीक। और ये मैंने क्या लगा दिया, बुक ऐसे लगा दिया, ठीक। अगर ये एकदम बुक ऐसी होती, ये बुक ऐसे एकदम खड़ी खड़ी रखी होती, तो इससे जितनी बल रेखाएं जाती हो क्या होती, सब 90 डिग्री में जाती। इधर से बल रेखा जा रही एकदम 90 डिग्री में जाती है ना, ऐसे 90 डिग्री। लेकिन जब बुक ऐसी हो गई तो क्या ये 90 डिग्री है? एक तो लंबा वाला पेन होता ना 3 रुपए का, मजा आ जाता। कोई बात नहीं, बल अगर ये सतह ऐसी, ये कोई भी सतह है धातु की, अगर ये ऐसी सतह है, क्या यहाँ 90 डिग्री में बल रेखा जा रही? ये बल रेखा आ रही है, जा रही है ऐसे, तो इससे 90 डिग्री में जा रही है कि नहीं? लेकिन अगर मैं ऐसे कर दूं तो मैं बल रेखा तो टेढ़ा नहीं कर रहा, लेकिन क्या अब ये 90 डिग्री में जा रही है? नहीं। यहाँ पे हमें कुछ एंगल मिलेगा, जो भी एंगल लिया जाता है वो कैसे लिया जाता है? एरिया वेक्टर। इसको क्यों हटा दिया? ये इलेक्ट्रिक फील्ड भूल जाओ। कोई भी सतह होती है तो हम ये बचपन में पढ़े थे कि क्षेत्रफल क्या है, बचपन में क्या, 11th में, क्षेत्रफल एक सदिश राशि है, पढ़े थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसके बिना तो 12th तुम्हारा अधूरा है। क्षेत्रफल एक सदिश राशि है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हर क्षेत्र का एक दिशा होती है और वह हथेली के बाहर की ओर होती है। जैसे ये मान लो क्षेत्रफल इसका अगर लाऊं तो क्षेत्रफल का एक दिशा आएगा जो ऊपर की ओर होगा, एकदम 90 डिग्री। ये कहीं भी बन सकता है 90 डिग्री, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्षेत्रफल एक सदिश राशि है जो कि किधर है, एकदम 90 डिग्री। तो अगर मान लीजिए वस्तु ऐसे है तो ये जो क्षेत्रफल सदिश है इसको क्षेत्र सदिश कहते हैं, एरिया वेक्टर। तो इसका क्षेत्र सदिश भी इसी दिशा में है और जो बल रेखा जा रही है वो भी इसी दिशा में, तो दोनों के बीच कितना एंगल है? 0 है। क्षेत्र सदिश भी इसी दिशा में और बल रेखा भी इसी दिशा में खूब सारी जा रही, तो दोनों के बीच का एंगल कितना दिख रहा है? 0। लेकिन अगर मान लो अगर मैं ऐसे कर दिया तो क्षेत्र सदिश इधर हो गया, लेकिन क्षेत्र सदिश तो इधर हो गया, दिमाग में जा रही बात? क्षेत्र सदिश तो ऐसे हो गया लेकिन जो बल रेखा है वो तो ऐसे है, तो दोनों के बीच कुछ तो एंगल बना ना, एक एंगल दिखा, बस वही एंगल यहाँ पे आ काम आएगा, ठीक। तो क्षेत्र सदिश क्लियर है। यहाँ पे इसके 90 डिग्री में एक क्षेत्र सदिश होता है, ये वेक्टर ए कहलाता है, एरिया वेक्टर। इसे क्या कहते हैं? क्षेत्र सदिश। क्या कहते हैं इसे? क्षेत्र सदिश, एरिया वेक्टर, ठीक है। और ये क्या? विद्युत क्षेत्र। अब विद्युत क्षेत्र तो इधर साइड है और क्षेत्र सदिश ऐसे, इन दोनों के बीच एक कोण बन जाता है, ठीक, समझे बात को? ये कोण यहाँ पे काम आएगा। तो पहले तो तुम्हें यहाँ याद रखना है जो थीटा है वो किसके किसके बीच है? ए और ई के बीच, ए और ई के बीच, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हर जगह तुम्हें थीटा ही डिसाइड करना होगा, ठीक। यहाँ तुम्हें बुक में बढ़िया दिख रहा है, बुक में मैंने क्षेत्रफल को एस मान लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये जो लिया जाता है, अगर पूरा एरिया ए ले लूं और यहाँ पे छोटा सा एरिया ले लूं, तो ये छोटा सा एरिया क्या कहला जाएगा? डी ए, अल्प। तो ये जब बन जाएगा तो वेक्टर डी ए बन जाएगा अल्प वाला, ठीक, समझ गए? तो अल्प एरिया का लिया जाता है, थोड़े से एरिया का। अब इसको थोड़ा अच्छे समझते हैं, हमें ये समझना है कि किस पॉइंट पर बल रेखा ज्यादा होगी और किस पॉइंट पर बल रेखा कम होगी। तो जैसे मान लो अगर मैं ऐसे बना दूं, ये कैसे पेंगुइन जैसे चल रहा हूं, ये क्या था? वेक्टर ई था, ठीक है। इसके हम तीन कंडीशन देखेंगे, वो तीन कंडीशन अगर तुम देखना चाहो तो मैं तुम्हें दिखा दूं। आपको खोलना पड़ेगा चैप्टर 6 की सेकंड हेडिंग, ये देखो, ये तीन कंडीशन, 47 पेज खोल लो,
47 पेंच, वीडियो वाले यहाँ ध्यान दें, ये तीन कंडीशन दिख रही हैं, पहली दूसरी तीसरी, ठीक है, बस यही कंडीशन आप बताने वाला हूँ मैं, ठीक, तो बोर्ड में बताऊंगा ज्यादा समझ में आएगा। ये वाली जो अभी हेडिंग दिखाया ये क्या है, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स और विद्युत फ्लक्स में कोई अंतर नहीं, सेम टू सेम है, देख लो सेम टू सेम दिख रहा है, दिख रहा है ना, तो बस यही आप बताने वाला। मान लो कोई चालक एकदम ऐसे रखा है, एक सेकंड, मान लो कोई चालक एकदम ऐसे रखा है, ऐसे का मतलब समझ रहे हो, एकदम ऐसे, मान लो बल रेखाएं हैं एकदम ऐसे, एकदम ऐसे, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं बना सकता हूं, कैसे एकदम ऐसे, समझ गए, अब ऐसे दिखेगा तो थोड़ा ऐसे ही लगेगा ना, वैसे तो नहीं बना सकते, एकदम एक प्लेट ऐसे बनी हुई, ठीक है, बात समझ में आई, जो चालक है वो कैसे रखा है, ऐसे, ठीक। यहां पे मान लो कोई चालक ऐसे रखा हुआ है, ऐसे मतलब ऐसे, उसी में मान लो कोई चालक ऐसे रखा है और यहां मान लो कोई चालक ऐसे रखा है, हो सकता है मान लो कोई चालक ऐसे रखा हो, दिख रहा है, ऐसे का मतलब ऐसे ना हो के थोड़ा सा टिल्टेड, ऐसे ना हो के थोड़ा सा कैसे है, इस एंगल पे, ठीक, समझ गए, तीन कंडीशन समझ में आई, इसीलिए रियल में बता रहा हूं, एक ऐसे है और एक ऐसे है और एक ऐसे, अब वो ऐसे दिखा रहा है वो ऐसे, ऐसे नहीं होगा, ऐसे, समझ गए, क्या हुआ, नींद आ रही है, लड़कियों को 50 बार बोला हूं तबीयत खराब हो, नींद आए, किसी भी प्रकार की समस्या हो, कोचिंग ना आए, लेकिन हाँ वो दिखता नहीं अच्छा, इसलिए नहीं, मुझे कारण ये लगता करता है कि हो सकता है घर वाले समझते ही ना हो, क्योंकि आदमी घर में अगर बोल देता है कि सर दर्द हो रहा है तो वो यही बात बोलते हैं, मोबाइल चलावे में नहीं हो है, पढ़ाई में मोर पिरा चलो यहाँ ध्यान दो, दो तीन बातें अब ध्यान से देखना, अगर तुम ध्यान से सीखना चाहते हो तो ये टॉपिक लंबा खींचेगा, अगर तुमको फार्मूला पढ़ना है तो मैं बता देता हूँ, तीव्रता गुणे क्षेत्रफल होता है, मात्रक आ जाएगा तीव्रता का न्यूटन प्रति कूलम मीटर स्क्वायर, लो आंसर आ गया, आगे बढ़ो, ईए कॉस थीटा आ जाएगा, बात खत्म, अच्छे से देखना तो थोड़ा सा देख लो याद हो जाएगा, कथा सुनने से याद हो जाता है, तो हम ये समझ गए, ये इंक डाला साला, इसे इसे मार्कर है मेरे पास, इंक डालने के बाद नहीं चलता, ये मैंने क्या बना दी, इसकी सतह बना दी, ठीक है, तीनों का क्षेत्रफल मैं ए ए ए ले लिया, तीनों का क्षेत्रफल क्या है, ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है, ठीक है, अब इनका जब क्षेत्रफल है तो इनका क्षेत्र सदिश भी होगा, और मैंने बताया ये वाली जो प्लेट है किस तरह की है, इस तरह की, यहां ध्यान दीजिए शायद कुछ बन जाए, है ना, चपरासी कुछ तो बन जाएंगे जिंदगी में, चपरासी का बताया ना मेरा दोस्त था, चपरासी में 6 बार फेल हुआ था, फिर वो पटवारी में सेलेक्ट हुआ, यहां पे अगर मैं इसका एरिया वेक्टर लाऊं, क्या लाऊं, एरिया वेक्टर, तो एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में आएगा, अगर मैं इसका एरिया वेक्टर लाऊं तो किस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा, इसका एरिया वेक्टर लाऊं तो किस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज 90 डिग्री विथ इट्स सरफेस, उसके सरफेस 90 डिग्री, ये सरफेस था 90 डिग्री, समझ में आ रहा है, ये होता है, ये बनाया नहीं गया है, ऐसा होता है, वो सब में होता है, नाती का पोता है, अगर मैं मान लो इसको ऐसे लगा दूं तो एरिया वेक्टर किधर होगा, इधर होगा 90 डिग्री, बात समझ में आई, अगर मान लो मैं इसको ऐसे लगा दूं तो ये एरिया वेक्टर कहाँ होगा, ऐसे होगा, ठीक है, समझ में आई बात, तो एरिया वेक्टर वो होता है, वो हमारी जीके की चीज है, अब हमने इसमें एक्स्ट्रा मटेरियल क्या लगा दिया, वेक्टर ई, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, तो हम हर जगह देखेंगे इसमें थीटा कितना बन रहा है, थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड ई, ठीक, अब ए और ई के बीच कितना एंगल है, यहाँ पे थीटा कितना दिख रहा है तुम्हें, 0 डिग्री दिख रहा है, यहाँ थीटा कितना दिख रहा है, 90 डिग्री, क्योंकि ई तो इधर है ना और ये 90, तो थीटा कितना आ गया, 90 डिग्री, गलती कहाँ करते हैं लोग, ये समझते हैं कि ये फ्लक्स और इसकी सतह के बीच का कोण, थीटा जो है वो फ्लक्स और सतह के बीच का कोण नहीं, सतह यानी जो प्लेट ली हमने, अगर ऐसे देखेंगे तब तो यहाँ थीटा 0 है और यहाँ पे थीटा 90 है, अगर ऐसे देखोगे तुम, है ना, क्योंकि सतह ऐसी फ्लक्स ऐसा तो 90, लेकिन ये थीटा क्या है, थीटा ए और ई, ई और ए भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे थीटा क्लियर नहीं है, यहाँ पे थीटा क्लियर नहीं, यहाँ पे कुछ तो थीटा है और वो क्या कहलाएगा, वो थीटा ही कहलाएगा, ये थीटा अनडिफाइंड हो गया, कुछ भी हो सकता है, यहाँ का थीटा कुछ भी हो सकता है, समझ में आई बात, तो ये हमें तीन बातें पता चली, अब ये बताओ कि यहाँ थीटा लेके मतलब क्या निकला, यहाँ थीटा लेके मतलब क्या निकल रहा है, कोई मतलब निकल रहा है, हाँ
जब हम ए को देखेंगे तो इसके दो कंपोनेंट मारेंगे, क्या करेंगे, इसके दो कंपोनेंट मारेंगे, ई के नहीं करेंगे। यहां पे ई का डायरेक्शन तीनों में बदला क्या? क्या यहां पे ई की दिशा बदली तीनों में? नहीं, यहां दिशा किसकी बदल रही है? ए की। ध्यान से समझो, ए की दिशा पहले यूं थी, फिर यूं हो गई, फिर यूं हो गई। क्या मैं इस कंडीशन में ए के दो कंपोनेंट कर सकता हूं? कर सकता हूं। उसके पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि बल रेखा की परिभाषा क्या थी। क्लियर है? क्लियर है बल रेखा की? नहीं, बल रेखा की विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स क्या थी? ऐसी सभी बल रेखाएं जो किसी सतह के लंबवत गुजरती हैं, लंबवत। ऐसी सभी बल रेखाएं जो किसी सतह के लंबवत गुजरती हैं वो क्या कहलाती हैं? विद्युत फ्लक्स कहलाती हैं। विद्युत फ्लक्स इज डिनोटेड बाई फाई। किससे दर्शाते हैं? फाई से। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए तो तुम फाई ई भी बोलना चाहो बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी, दूसरी बात, ये जो फाई का सूत्र होता करता है, यानी विद्युत फ्लक्स का जो सूत्र होता है, ध्यान से ध्यान से ध्यान से, फ्लक्स का जो सूत्र होता है वो असल में होता है तीव्रता गुणे क्षेत्रफल। किसकी तीव्रता? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता गुणे क्षेत्रफल। ठीक है, दोनों बार लाइन टेढ़ गई, पिछली बार लाइन टेढ़ी थी, मिटा के सोचा सीधी बनी, हम नहीं बनाऊंगा, एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे इसके। तो फ्लक्स बराबर क्या होगा? तीव्रता गुणे क्षेत्रफल। समझ गए? समझ गए, ये सूत्र होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल। ठीक, बात यह है कि जब मैं यहां पे तीव्रता और क्षेत्रफल का गुणा करूं तो इस कंडीशन में समझो ये कि कौन सी वाली हमें बल रेखाएं चाहिए? 90 डिग्री वाली। कौन सी वाली बल रेखाएं चाहिए? 90 डिग्री। क्या यहाँ पे बल रेखाएं 90 डिग्री में गुजर रही हैं? सतह से, सतह के लंबवत गुजरे हैं। यहाँ एरिया वेक्टर गया भाड़ में, सतह के लंबवत गुजर रही है कि नहीं तुम ये बताओ। यहाँ पे जो ये बल रेखा जा रही, ये वाली बल रेखा, ये वाली बल रेखा, ये बल रेखा, ये बल रेखा, ये बल रेखा, ये तो गुजर ही नहीं रही। ये 5 तो बल रेखाएं गुजर रही हैं। ये 5 बल रेखाएं क्या सतह के लंबवत है ना? ये क्या ही चाह रहा है सतह के लंबवत है तो क्या यहाँ पे इनको हम फ्लक्स बोल सकते हैं? तो इस वाली सतह के लिए ये भी फ्लक्स है, ये भी फ्लक्स है, ये भी फ्लक्स है, ये भी फ्लक्स है, ये भी फ्लक्स है। तो यहाँ पे जो फ्लक्स आएगा, नीचे वाले का कोई खास जरूरत नहीं मिटा दिया जाए, यहाँ जो फ्लक्स आ रहा है, क्या बोल रहा हूं, यहाँ जो फ्लक्स आ रहा है रेड कलर का है, यहाँ जो फ्लक्स आ रहा है वो क्या आएगा? तीव्रता गुणे क्षेत्रफल। आ रहा है कि नहीं? आएगा कि नहीं? ठीक है, इस वाले में क्या इस सतह के लंबवत कोई बल रेखा जा रही? क्या इस सतह से कोई बल रेखा जा रही? नहीं, इस सतह के ऊपर से चली गई, नीचे से चली गई, समझे? तो यहां पे क्या कोई फ्लक्स गुजर रहा है? नहीं, फ्लक्स क्या है? बल रेखा। बल रेखा दो चीजों पर निर्भर करता है। कैसे निर्भर करता है अभी बता दो। पहली वाला चित्र तो क्लियर करो, ये बुक में नहीं बना हुआ है लेकिन तुम बना लेना अगर पेपर में आता है तो, क्योंकि विद्युत चुंबकीय फ्लक्स और विद्युत फ्लक्स सेम, कोई अंतर नहीं, सेम, उसमें ई की जगह बी आ जाएगा बस, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, बाकी कोई भी अंतर नहीं। क्या यहाँ कोई फ्लक्स गुजर रहा है इससे? यहां से कितने फ्लक्स गुजरे? 5 फ्लक्स गुजरे, तो मैं फ्लक्स बराबर 5 भी बोल सकता हूँ, 5 गुजरे हैं ना। क्या यहाँ कोई फ्लक्स गुजरा? नहीं, यहाँ पे कोई फ्लक्स क्या 90 डिग्री में जा रहा है? फ्लक्स नहीं, सॉरी सॉरी गलती हो गई। क्या कोई बल रेखा 90 डिग्री में जा रही है? यहाँ पे बोला ऐसी सभी बल रेखाएं जो किसी सतह के लंबवत गुजरे हैं। यहाँ पे इतनी सारी बल रेखाएं तो जा रही हैं लेकिन ये बल रेखाएं 90 डिग्री में नहीं है। ठीक है, बल रेखाओं की संख्या ज्यादा है, तीव्रता ज्यादा, बल रेखाओं की संख्या कम है, तीव्रता कम। मिटा दूं इसको? मिटा दूं? अब तो मिटा दिया। गुलाबी सी सुबह। कैसे ये तीव्रता और क्षेत्रफल पर कैसे निर्भर करता है? मान लो इतनी ही बड़ी प्लेट है, लगभग उतनी है, इतना बराबर नहीं बनता वैसे, इतनी ही बड़ी प्लेट है, समझे, इतनी ही बड़ी प्लेट है। ये क्या था? ये क्या था? ये विद्युत क्षेत्र था। विद्युत क्षेत्र यानी बल रेखाएं, बल रेखाएं हैं। तो ये बताओ कि क्या मैंने प्लेट में कोई परिवर्तन किया? प्लेट उतनी ही बड़ी, उतनी ही बड़ी प्लेट यहां भी, उतनी ही बड़ी प्लेट यहां भी, प्लेट उतनी ही बड़ी है लेकिन यहाँ पे तीव्रता ज्यादा है, यहाँ पे तीव्रता कम। यहाँ मान लो 100 न्यूटन प्रति कूलाम है, यहाँ पे मान लो 10 न्यूटन प्रति कूलाम। तो तीव्रता ज्यादा है तो क्या फ्लक्स ज्यादा गुजर रहे हैं 90 डिग्री में कि नहीं? यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा है
तो इस सतह से गुजरने वाले फ्लक्स की संख्या ज्यादा हो गई, यहाँ पे तीव्रता कम थी तो सतह वही है लेकिन उससे गुजरने वाले फ्लक्स की संख्या कम पड़ गई। तो ये क्या तीव्रता पर निर्भर नहीं करता? यहाँ से क्या पता चला? जो फाई होता है वो डिपेंड करता है किस पर? तीव्रता पर डिपेंड करता है। तीव्रता ज्यादा है तो ज्यादा फ्लक्स निकल रहा है, तीव्रता कम है तो कम फ्लक्स निकल रहा है। अब हम साइज बढ़ा के देखते हैं, साइज बढ़ा के मान लो अब बताओ आपकी विद्युत क्षेत्र वही वाला है, विद्युत क्षेत्र कौन सा है? वही वाला है। दोनों के लिए, दोनों प्लेट के लिए क्या विद्युत क्षेत्र अलग अलग है? नहीं, लेकिन इस प्लेट का साइज कम है, साइज यानी एरिया क्षेत्रफल, इस प्लेट का क्षेत्रफल कम, इस प्लेट का क्षेत्रफल ज्यादा है तो फ्लक्स ज्यादा कहां से निकल रहे हैं? फ्लक्स यानी बल रेखा, जैसे मैं तुम लोग को बताया था तीव्रता यानी बल, ऐसे ही फ्लक्स यानी क्या होता है? बल रेखा होता है, फोकस है। हाँ, तो फ्लक्स यानी बल रेखा ही होता है, कोई अंतर नहीं। तो तुम बताओ कि इस वाले से ज्यादा बल रेखाएं गुजर रही कि इस वाले से ज्यादा बल रेखा? तो इस वाले से कैठ गुजर रही है, एक दो तीन, इस वाले से एक दो तीन चार, बहुत सारी, समझे? तो यहाँ से क्या पता चलता है? जो फ्लक्स है वो किस पर निर्भर करता है? क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। तो इन दोनों फार्मूले से आउटपुट क्या पता चला हमें? जो फ्लक्स होता है वो दो चीजों पर निर्भर करता है, तीव्रता और क्षेत्रफल। तो तीव्रता गुणा क्षेत्रफल करके लाते करते हैं तो वही क्या कहलाता है? फ्लक्स। बस ये हिंदी में करते हैं। अब यहाँ पे अगर प्लेट टेढ़ी हो जाती है, तो प्लेट टेढ़ी हो जाती है तो हमें उसका क्या करना पड़ता है? कंपोनेंट सदिश वियोजन करना पड़ता है। इसी आधार पे जब इसका वेक्टर फॉर्म में फार्मूला लाए थे, फाई इक्वल टू क्या आ गया? फाई थीटा तो पता है ना, फाई इक्वल टू क्या आ गया? वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, ये वाला है और ये वाला, इनके लिए चित्र कौन सा लगेगा? इनमें से कोई चित्र लगेगा इस फार्मूले में? इनमें से कोई नहीं, वो जो बुक में बना था थर्ड वाली कंडीशन जिसमें थीटा दिखता है ना, थर्ड वाली कंडीशन जिसमें थीटा दिखता है। बात क्लियर हो गई? तो क्या विद्युत फ्लक्स समझ में आया? विद्युत फ्लक्स क्या है? ऐसी सभी बल रेखाएं जो किसी भी सतह के अवलंबन को जाती है विद्युत फ्लक्स कहलाते हैं। विद्युत फ्लक्स का मान धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य भी हो सकता है। धनात्मक कब होता है? जब बल रेखाएं आगे निकलती हैं। ऋणात्मक कब होता है? जब बल रेखाएं पीछे से प्रवेश करती हैं। ठीक है, उल्टा बोल दिया क्या? नहीं, यहाँ से हो गया। ठीक है, जीरो कब होता है? जीरो कब होता है? जब उससे कोई भी बल रेखा ना निकले। इसको तुम ऐसा समझ सकते हो जैसे बारिश हो रही है, तो बारिश हो रही है उसको एकदम सीधी बारिश है, टेढ़ी मेढ़ी नहीं है। अगर बारिश हो रही है और तुम्हें एक क्या लगानी है? प्लेट लगानी है, जैसे मान लो यही। ठीक है, ये मान लो कोई प्लेट है, ये तस्तरी है, खाना ले जाऊंगा मैं इसमें। ठीक, नहीं दिख रहा, इतना ऊपर करना पड़ता है यार, वीडियो में कितना कवरेज आता है? इतना आता होगा, इतना आई ना जाता होगा। ये बताया जा रहा है कि मान लो बारिश हो रही है, अब बारिश हो रही है, अगर मैं प्लेट ऐसे लगाऊं क्या इस प्लेट में पानी टकराएगा? तुम नहीं बोल, यही तो पूछ रहा हूं। बारिश हो रही है, इस प्लेट में पानी टकराएगा? सबसे ज्यादा पानी इसी कंडीशन में टकराएगा। तो ये कौन सी वाली कंडीशन है? जब सतह को मैंने कैसे रख दिया? लंबवत, है ना, एकदम 90 डिग्री में। अब अगर मैं प्लेट को ऐसे कर दूं, क्या इसमें कोई पानी टकराएगा? मान लो थोड़ा गैप में गिर रहा है, तो क्या इस पर कोई पानी टकराएगा? नहीं। तो इस पर कोई फ्लक्स गुजरा, उसको समझ लो बल रेखाएं हैं और इसको समझ लो सतह है। तो जब मैं सतह को बल रेखाओं के समांतर रखा हूं, समांतर रखा हूं, ये सतह है, बल रेखाओं की मैं कैसे रख दिया समांतर, क्या इससे कोई फ्लक्स गुजर रहा? इससे कोई फ्लक्स नहीं गुजर रहा। लेकिन जब मैं सतह को बल रेखाओं के लंबवत रखता हूं, तो क्या इससे फ्लक्स गुजर रहे? मैक्सिमम फ्लक्स गुजर रहे हैं। अगर मैं थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया, थोड़ा सा टेढ़ा, तो मैं ऐसे किनारे वाले एरिया देखना, पहले ये यहां से लेके यहां तक था, लेकिन जब मैं इसको ऐसे कर दिया तो इधर से भी कम हो गया और इधर से भी कम, तब ये तो इतना एरिया आ गया, पहले बल्कि यहां से लेके यहां तक था, पहले ऐसे था, जब ऐसे कर दिया तो थोड़ा सा कम हो गया कि नहीं? तो अब केवल इतने में ही निकलेगा, और ऊपर से यहाँ पे एक एंगल भी बन रहा है, लेकिन हम इसका क्या कर लेंगे? ऐसे वाला कंपोनेंट ला लेंगे, वही कंपोनेंट क्या कहलाता है? ए कॉस थीटा। ये एरिया ही है, बस वो लंबवत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बल रेखा की परिभाषा में ही बोला है, ऐसी सभी बल रेखा की नहीं, फ्लक्स की परिभाषा में बोला है, ऐसी सभी बल रेखाएं जो सतह के अवलंबन को, तो हमें लंबवत वाला चाहिए ना, तो हम इसके लंबवत वाला निकालेंगे, टेढ़ा वाला थोड़ी निकालेंगे। तो लंबवत वाला लाने के लिए वियोजन कर दिया, वो मैंने बता ही दिया। अभी भी ये ई ए कॉस थीटा एक ही चीज है, ए कॉस थीटा अलग चीज नहीं, ए कॉस थीटा एक ही चीज है, बस यहां से हो गया तो पूरा टॉपिक खत्म। अच्छा बताओ, ऊपर से बारिश हो रही है, उबल रेखा है, अगर मैं ऐसे लगा रहा हूं तो ये कितना हुआ? लंबवत हुआ कि समांतर हुआ? लेकिन मैं ऐसे लगा रहा हूं तो, अगर मैं ऐसे लगा रहा हूं तो, अगर मैं ऐसे लगा रहा हूं तो है समांतर, समझ रहे हो? ऐसे लगा रहा हूं तो, ऐसे लगा रहा हूं समांतर नहीं, कुछ तो एंगल है। अब कितना एंगल होगा? ये एरिया वेक्टर इधर बनेगा,
ये ऐसे वेक्टर बनेगा, बनेगा बस वेक्टर नहीं एंगल कोण। पता नहीं कि मुझे स्ट्रॉबेरी खाने का मन कर रहा है, तो अगर मैं इस सबको मिटा दूं, ये फार्मूला बन गया हम लोग का। इन चित्रों को याद रखने, इन चित्रों से क्या पता चलता है कि बल रेखा किस पर निर्भर करती है, क्षेत्रफल पर निर्भर करती है और तीव्रता पर, बस दो ही चीजों पर निर्भर करती है। यहां मैंने क्षेत्रफल बढ़ाया नहीं लेकिन मैंने तीव्रता बढ़ा दी, यहां मैंने तीव्रता बढ़ाई नहीं लेकिन मैंने क्षेत्रफल बढ़ा दिया, क्षेत्रफल बढ़ा दिया बल रेखा ज्यादा गुजर रही, क्षेत्रफल घटा दिया बल रेखा कम गुजर रही, बल रेखाएं बढ़ा दिया एरिया वही है तो ज्यादा बल रेखाएं लंबवत गुजर रही, लंबवत होने के लिए ही एक cos थीटा आया है, क्लियर हो गया। अगर मैं इसका डायग्राम बनाना चाहूं तो इसका कौन सा वाला डायग्राम बनेगा, अगर पेपर में तुम्हें बनाना है तो गुलाबी सी सुबह, ये बन गया एरिया वेक्टर और ये बन गया वेक्टर ए, दिस इज द एंगल, क्लियर हो गया। बस ये अगर हम इसके अल्प क्षेत्र की बात करते हैं, ये अल्प क्षेत्र को डीए बोल दिया जाता है और टोटल एरिया ए, तो इसको डीए बोल दिया जाता है केवल इतने का। इसके हर पॉइंट पर एक एरिया वेक्टर बनेगा, हर पॉइंट पर नहीं बन सकता। जैसे मान लो ये बुक है, अगर मैं इसमें बोल दिया जैसे मेरा यहाँ पे, जैसे मान लो मेरा मुंह है, अगर मेरे मुंह के पास का एरिया लाना है तो इसका एरिया वेक्टर ये बनेगा, समझ गए। जैसे मान लो ये 12 लिखा है तो 12 के पास का एरिया वेक्टर लाना है, ये बन जाएगा। इनडायरेक्ट प्रमोशन कर रहा हूँ बुक का, जिसको खरीदना खरीद सकता है। साइज पे मत जाए, मैं पहले ही बता दिया हूँ फरारी और ट्रक में अंतर होता है ना। अरे यार बहुत भयानक बात बोल दी कि ट्रक जो होती है वो, सॉरी फरारी जो होती है वो ट्रक में ही जाती है। वैसे बात तो सही है, ये जो फरारी हो ट्रक में समा जाएगी। अब हेल ना, चलो यहाँ कुछ पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे। सबसे पहली बात, इसका हम क्या लाएंगे, मात्रक। पहले तो ये बता दें यह अदिश राशि है, यह कैसी राशि है, अदिश राशि है। दूसरी बात क्या बता दूं, ये धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है और शून्य भी हो सकती है। धनात्मक भी होती है, ऋणात्मक भी होती है, शून्य। शून्य कब होती है, जब समांतर होता है, ठीक है। तीसरी बात, इसका एसआई मात्रक जो कि इंपॉर्टेंट है। मात्रक लाने के लिए मैं पहले, मुझे खुद अभी नहीं पता इसका मात्रक क्या है, बस मैं दो चीजों के मात्रक जानता हूँ, तीव्रता गुणे क्षेत्रफल। तीव्रता का है कि विद्युत क्षेत्र की, सेम टू सेम कहानी मैं चुंबकीय क्षेत्र में बताऊंगा, सेम रहेगा। तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है न्यूटन बटे कूलाम होता है, और क्षेत्रफल का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। लो ये बन गया नया फार्मूला, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, बात खत्म, ठीक। ऐसा ही मात्रक हो गया, और क्या बता दें, हो गया इतना होता है ना। विमीय सूत्र वो बन जाएगी तुम लोग से, विमीय सूत्र बनती ना, इसका क्या था, MLT की पावर -3, A इनवर्स में एरिया लग गया, A की पावर -1 प्लस 1, कुछ आएगा बन जाएगा ना, विमीय सूत्र लाते, वो सब फालतू काम मुझे नहीं पसंद। तो यहाँ से आपका बल रेखाओं के बारे में टॉपिक हो गया कंप्लीट। पेपर में क्वेश्चन कैसे बनता है, विद्युत बल रेखाएं क्या है, क्या बोला है, विद्युत बल रेखाएं क्या है, इनका मात्रक और विमीय सूत्र लिखिए। लेकिन एक काम अगर तुम कर दो पेपर में, वो तीनों चित्र बना के तीन कंडीशन दिखा दो, तो एक नंबर का क्या हुआ, काहे मैं क्या बोला, विद्युत फ्लक्स क्या है, इसका मात्रक और विमीय सूत्र लिखिए, पेपर में दो या तीन नंबर का आ जाएगा। वो तीन चित्र बना के रख दोगे, मजा आ जाएगा मास्टर को चेक करना, ठीक। पेपर बहुत छोटा होता है, पूरी कहानी क्लियर है। बस अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, केमिस्ट्री। क्लास समाप्त होती है, धन्यवाद। समझ में आया है सबको, ना समझ में आया तो दोबारा पूछ लेना, मैं दोबारा समझाने के लिए तत्पर हूँ।